झालावाड़ में एक नाबालिग को अगवा करने और उसको नशीला इंजेक्शन लगवाने के मामले में अब रेगर समाज का गुस्सा फूट पड़ा। रेगर समाज के कई संगठनों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं लोगों ने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल 30 जनवरी को जब नाबालिग शाम के समय दूध लेने जा रही थी, तभी मुकेश गुज्जर नाम के एक शख्स ने उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और बाद में उसे नशीला इंजेक्शन लगा दिया। पर परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान गाड़ी में नाबालिग बेहोश मिली। मेरी बच्ची दिनांक 30/1/2021 को शाम को 6:30 बजे के लगभग दूध लेने गई थी। वहाँ से दूध लेकर उसके साथ में एक सहेली और थी, तो वो आई बग के घर पे आके बताया कि भाई तुम्हारी बच्ची को इको गाड़ी में बिठा कर बंटी गुजर शमशान घाट की तरफ लेके जा रहा है। तुरंत वहाँ पर रहने वाले मेरे मोहल्ले के लड़के दौड़ के और मोटरसाइकिल से गए और उसको जाके पकड़ लिया। अगर मान लो के समय पर ये नहीं पूछ पाते तो मेरी बच्ची के साथ में कुछ भी अन्याय हो सकता था। आज मेरी बच्ची के साथ में अन्याय यानी कि हुआ, कल से दूसरे बच्चों के साथ में इस तरह घटना नहीं घटित हो, ये मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा और पूरे रेगर समाज मेरा सहयोग कर रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज मेरी बच्ची के साथ में जो घटना घटी है, कल से दूसरे के साथ नहीं हो तो मैं मरते दम तक इस केस को लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आज मेरी बच्ची नाबालिग के साथ में अन्याय हुआ है। कल से दूसरे बच्चों के साथ में ये इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, इसको सजा मिलना चाहिए। और मेरी बच्ची के साथ में जो मेडिकल जांच भी की गई है थाने महिला थाने के कर्मचारी को द्वारा। वहीं जब परिजनों ने पुलिस से पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए कहा तो पुलिस ने इससे भी इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने खुद ही मेडिकल करवाया जिसमें नाबालिग को नशीला इंजेक्शन देने की बात सामने आई। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद से ही पीड़ित के परिजनों और रेगर समाज के लोगों में रोष बना हुआ है और अब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक कानून से न्याय मिल पाता है। पंजाब की सिटी टीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से बल बहादुर सिंह हाड़ा की रिपोर्ट।